रेड कार्पेट बहुत कम समय में लोगों की आंखों के तारे बन गए भाजपा में। भाजपा जो विपक्षी लीडर है वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा अपने मैनेजमेंट के जरिए एंटी इनकम्बेंसी को छुपा के रखे हुए है। एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन दिखने नहीं दे रही, 17 तारीख के बाद पता चलेगा। बताइए ना, निश्चित तौर पर लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, आरोप यही तो लग रहा है कि एक अलग सवाल अलहदा लोगों से जुड़ा हुआ ये है। 2020 के जो चुनाव हुए थे उनमें भी आपकी एक्टिविटी पहले देखने को मिली थी, लेकिन उस वक्त माना जा रहा था कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है, दबाव के साथ लोग सियासी पंडित जोड़ के देख रहे थे, जो राजनीतिक पंडित हैं वो जोड़ के देख रहे थे। क्या इस बार भी आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं? आपके विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, इन वक्त तक चली। आप भाजपा ने अभी अपने बहुत सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, जो जिन लोगों को सीएम मटेरियल तक माना जा रहा था, पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, उस पर प्रतिक्रिया चाहिए आपकी। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश का चुनावी संग्राम अपने सवाब पर पहुंच चुका है। एक से एक सियासी मुद्दों की आमद और बनते बिगड़ते राजनीतिक हालातों ने इस मुकाबले को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है, और इन्हीं दिलचस्प हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे दिलचस्प राजनेता मौजूद है। हमारे साथ हैं भाजपा के स्टार प्रचारक, केंद्रीय मंत्री और ग्वालियर चंबल अंचल के जुड़े हुए बहुत ही बड़े नेता, पूरे मध्य प्रदेश के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। सिंधिया जी, पूरा सिनेरियो कैसे देखते हैं? लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक्टिविटी आपकी हर कोई देख रहा है, कैसे देखते हैं आप पूरे सिनेरियो को? मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास और प्रगति की योजनाओं के आधार पर पांचवी बार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी भाजपा जो विपक्षी लीडर है वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा अपने मैनेजमेंट के जरिए एंटी इनकम्बेंसी को छुपा के रखे हुए है। एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन दिखने नहीं दे रही, 17 तारीख के बाद पता चलेगा। आप मेरे साथ यहाँ थे जी, आपको कुछ एंटी इनकम्बेंसी दिखा? मैं कुछ बोलूं आप कहेंगे कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आप स्वतंत्र न्यूट्रल व्यक्ति हो, आपको कुछ एंटी इनकम्बेंसी दिखी? बताइए ना, निश्चित तौर पर लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, आरोप यही तो लग रहा है कि वो मैनेजमेंट है आपका, लोग दिख रहे हैं लेकिन वोट तब्दील नहीं होगा। लोग दिख रहे थे, मिल रहे थे, नहीं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी जब मैं बोल रहा था? निश्चित तौर पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आप हिचकिए मत, सही सही बोलिए, आपकी भी आवाज है। जी जी जी, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो आप। तभी तो हम बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, मैं आपको याद दिला दूं, एंटी इनकम्बेंसी होती है जो 2003 में मध्य प्रदेश में हुआ था जी। जब कांग्रेस पार्टी 37 सीट तक सिमट गई थी जी। वो होती है एंटी इनकम्बेंसी। जब दौरा करने से नेता और प्रत्याशी स्वयं झिझक रहे थे जी। समय कम है, लगातार जल्दी जल्दी सवाल पूछते जाएंगे। एक आपकी एक्टिविटी बहुत चर्चाओं में है इस वक्त लोगों के बीच में, हमने लोगों से पूछा भी, आप लोगों के बीच जाके जो कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हो, तो वो आइडिया कहाँ से आया? लोग पूछ रहे थे कि पूछना, सवाल जरूर पूछना, कि जो जोश भरने का आइडिया कहाँ से आया, पार्टी ने दिया है अपने जोशीले नेता को या खुद के दिमाग की उपज है? कौन सा आइडिया? आप कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हो, कश्मे खिला रहे हो, उनको जोश भर रहे हो, वो वाला आइडिया बहुत चर्चाओं में है। ये मैंने सदैव किया है। 2002 के चुनाव के बाद जब 2004 का चुनाव हुआ जी, 2004 के चुनाव के बाद मैंने ये प्रक्रिया शुरू की थी, और मैं उस जमाने में कांग्रेस की सरकार थी, मिट्टी के तेल के ज्योति के प्रकाश में हम लोग काम करते थे जी। रात के 11 बजे मिट्टी की तेल की ज्योति के प्रकाश में पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं का नाम मैं स्वयं लिखता था कागज के पर्ची पे, और एक एक पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता के साथ मेरी मुलाकात होती थी। तो ये निरंतर मेरी प्रक्रिया चल रही है उस समय। एक सवाल, पर पहली बार इतने व्यापक रूप से मैंने किया है जी। जी, तो वही इसलिए ऑब्जर्व किया लोगों ने इस चीज़ को। एक अलग सवाल अलहदा लोगों से जुड़ा हुआ ये है, 2020 के जो चुनाव हुए थे उनमें भी आपकी एक्टिविटी पहले देखने को मिली थी, लेकिन उस वक्त माना जा रहा था कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है, मतलब कहीं ना कहीं लोग आप जोड़ रहे थे दबाव के साथ, लोग सियासी पंडित जोड़ के देख रहे थे, जो राजनीतिक पंडित हैं वो जोड़ के देख रहे थे। क्या इस बार भी आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कुछ प्रेशर में समझ नहीं पाए, मतलब
मतलब साख दाव पर लगी थी 18 जो दो डेढ़ दर्जन जो सीटें थी, लगभग दो दर्जन सीटें थी, उसमें सिंधिया का नाम सबसे ज्यादा दाव पर लगा था। 28 उपचुनाव हुए थे जिसमें से 27 कांग्रेस की सीटें थी और उन 28 उपचुनाव में भाजपा 19 सीटें लेके आई ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को साबित किया था, दो 9 19 सीट कांग्रेस हारी। तो अगर उनकी सरकार इतनी अच्छी थी तो दो साल के अंदर आप 80% सीट हार गए उपचुनाव में। अगला सवाल, आपके विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, इन वक्त तक चली आपने? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं जी, जो पार्टी मुझे कहेगी करने के लिए वो करने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास प्रस्ताव आया था फिर आपने मना किया? नहीं, मुझे नहीं कहा गया था लड़ने के लिए। नहीं कहा गया था, ठीक है। भाजपा ने अभी अपने बहुत सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, जो जिन लोगों को सीएम मटेरियल तक माना जा रहा था, पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, उस पर प्रतिक्रिया चाहिए आपकी? आपको समझने की जरूरत है, ये हमारी रणनीति का एक भाग है। कौन सी रणनीति भाई, जानना है? हमारे मजबूत सीटें हैं, कांग्रेस की मजबूत सीटें। हमारी रणनीति थी हमारे मजबूत सीटों को हम सुरक्षित करें और कांग्रेस के मजबूत सीटों पर ऐसे प्रत्याशी को उतारें जिसके आधार पर वो कांग्रेस की मजबूत सीट भाजपा की मजबूत सीट में परिवर्तित हो जाए। पहले दो लिस्ट अगर आप देखें, पहले दो लिस्ट जिसमें सांसद और मंत्रियों का नाम डाला गया था जी। पहले दो लिस्ट सभी कांग्रेस के मजबूत सीटों की थी। तो हमने क्या किया है, हमने अपने मजबूत सीटों को सुरक्षित किया है और कांग्रेस के मजबूत सीटों पर प्रहार किया है। लोगों का ये मध्य प्रदेश में आपकी भूमिका, मतलब मध्य प्रदेश के लिए आप काम करना चाहते हैं, अगर अगर आपको मौका मिले तो किस भूमिका? मैं तो सदैव मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो पहले दिन से मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा ना, मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की भूमिका में मैं काम कर रहा हूँ। दो से तीन सवाल मैं पुट और करना चाहूंगा आपके सामने। जो सबसे बड़ा है कि भाजपा में किसी नेता को रेड कार्पेट नहीं मिलता, जो कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाजपा को, किसी नेता को रेड कार्पेट। आप बहुत कम समय में लोगों की आंखों के तारे बन गए भाजपा में। मैं नहीं मानता मैं किसी के आंखें के तारा हूँ, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ भाजपा का और पार्टी को मजबूत करना मेरा संकल्प है और उसी आधारशिला के साथ मैं काम कर रहा हूँ, रात दिन काम कर रहा हूँ पार्टी को मजबूत करने के लिए। मेहनत मशक्कत मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को लेकर एक प्रतिक्रिया, वैसे आखिरी सवाल, अक्सर एक राजनीतिक तकरार देखा जाता है दो दलों में, लेकिन आपको लेकर बहुत कुछ भाव है कांग्रेस में, नफरत भी निकलती है, गुस्सा भी आता है, खींच भी दिखती है, उस पर आप क्या कहेंगे? उनको मुबारक, मुझे कांग्रेस की प्रति ना नफरत है ना मुझे गुस्सा है ना मैं द्वेष भावना रखता हूँ। कांग्रेस मेरी अतीत है, मैं अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में। अभी कांग्रेस के नेताओं से कोई बातचीत है, बातचीत होती है कांग्रेस के किसी नेता से, बातचीत होती है कांग्रेस के किसी नेता से, बातचीत होती है, कैसे संबंध है कुछ बताएंगे? संसद में सभी के साथ बातचीत होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सौभाग्य मुझे दिया है उनके नेतृत्व में काम करने के लिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, किस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं और किस तरीके से भाजपा अपना प्रसार कर रही है और चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस को लेकर भी बोले, तो इंटरव्यू आपको कैसा लगा और आप किस नेता को और इंटरव्यू देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताइए, हम उस नेता को नेता से सामने आपके जुड़े हुए सवाल सामने रखेंगे। और पंजाब केसरी के फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिए, नमस्कार।